गुड मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ पे अभी हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आज का आउटसोर्स कर लिया गया है क्योंकि कल इतने रात को घूम के घर आने के बाद सुबह के टाइम पे सब लोग आज लेट उठे हैं, पापा को छोड़ के, ऑब्वियस बात है, तो ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिला। सौरभ लेके आ गया है डोसा, पीनट चटनी, यहाँ पे और एक चटनी, सांभर। सांभर तो मैं खाती नहीं हूँ तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया। बहन और मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पापा का और सौरभ का। चाय, ब्रेकफास्ट सब कुछ ऑलरेडी हो गया है। टाइम हो रही है सुबह के 10:35। फाइनली ये वाला घड़ी रिपेयर हो ही गया है। घड़ी वैसे रिपेयर करने का कुछ था नहीं, सिर्फ बैटरी चेंज करना था, जो कि हो गया है। क्या मन लगे बुनो? मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा साउथ इंडियन खाने का अगेंस्ट है, उसको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बाहर का खाना, मतलब ये इडली डोसा उपमा वगैरह खाने के लिए। लेकिन ठीक है, अभी तो तुमको थोड़ा थोड़ा आदत डालना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारे हॉस्टल में सिर्फ दो दिन ही नॉर्थ इंडियन खाना मिलेगा, बाकी का दिन साउथ इंडियन। सो यू हैव टू यूज टू विद इट। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ, वो तो एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है। तो चलिए, अभी आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। और आज संडे स्पेशल लंच हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल बन रहा है, क्योंकि कल हम लोग तो पूरा दिन बाहर ही थे। कल पूरा दिन हम लोग घूमे, बाहर ही खाना पीना किए, तो थोड़ा सा रिच भी हो गया था। तो इसलिए सौरभ ने बोला कि आज घर पे एकदम सिंपल सा लंच बनाओ। तो कल दोपहर का जो सब्जी वगैरह थोड़ा बनाए थे ना पापा, वो मिक्स वेज और आलू पोस्त, तो वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा बच गया है। तो मैंने सोचा कि आज और इतना तामझाम कुछ करूँगी नहीं। सौरभ सुबह सुबह मार्केट चला गया था और मछली लेके आया है, तो आज सिर्फ मछली कड़ी और चावल बनाऊँगी। तो आज उसको बहुत ही फ्रेश पॉम्फ्रेट मिली है, तो यहाँ पे उसने पॉम्फ्रेट लेके आ गया है। मैंने बोला था चार लोगों के लिए चार ही पॉम्फ्रेट लाने के लिए, लेकिन पॉम्फ्रेट ना इस बार का साइज़ थोड़ा छोटा छोटा है, मतलब जैसे हम लोग खाते हैं इस बार वो वाला साइज़ नहीं मिला। तो मतलब मिक्स करके ही है, दो बड़ा साइज़ का है, दो छोटा साइज़ का है, तो वजन में शायद थोड़ा उन लोगों का इधर उधर हो रहा था, तो उन लोगों ने एक पीस एक्स्ट्रा पॉम्फ्रेट भी दे दिया है। ये देखिए, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला तंदूरी पॉम्फ्रेट बनाऊँगी, एक ही पीस बनाऊँगी, क्योंकि टोटल मछली है पाँच पीस और हम लोग हैं चार लोग। तो बहन काफ़ी दिन पहले एक बार बोली थी कि दीदी तुम्हारा हाथ का पॉम्फ्रेट तंदूरी बहुत दिन से नहीं खाए, तो अगर घर पे पॉम्फ्रेट आते हैं तो एक दिन बनाना। तो मैंने सोचा बहन के लिए एक तंदूरी पॉम्फ्रेट बना देते हैं, वैसे हम सब लोग ही शेयर करके खाएंगे एक से ही। तो वो वाला कड़ी वाला मछली तो मैंने नमक हल्दी से ऑलरेडी मैरिनेट कर लिया है, अभी ये जो तंदूरी बनाऊंगी ना इसको मैरिनेट करूंगी। तो चलिए इसका रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। काफ़ी दिन पहले मैं एक बार बनाई थी, एक दो बार बनाई थी शायद, उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी शेयर की है, चलिए आज और एक बार शेयर कर दूँगी। तो नमक हल्दी से मैरिनेट किया हुआ मछली में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी तंदूरी मसाला, थोड़ी सी बेसन डालूँगी बस बाइंडिंग के लिए, ताकि सारे मसाले अच्छे से स्टिक होकर रहे, लाल मिर्च का पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला, ज़्यादा नहीं क्योंकि तंदूरी मसाला ऑलरेडी है, तो थोड़ा सा एक पिंच गरम मसाला ही काफ़ी है। और डाल दूंगी एक छोटा सा आधा नींबू का रस, इसी रस से ही मैं इस मसाले को बाइंड करूंगी, और थोड़ा सा खट्टापन भी आता है ना तो अच्छा भी लगता है। और इसको आज मैं ओवन में नहीं बनाऊँगी, बनाऊँगी मैं इसको गैस में ही। तो देखिए अभी इन सारे चीज़ों को अच्छे से मछली में मैरिनेट कर देना है, और फिर इसको फ्रिज में मैं रख दूंगी लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा इसका जो बाइंडिंग है ना ये टाइट हो जाए, फिर मैं इसको बनाऊंगी गैस में। तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को दोबारा शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मछली में तो मैंने ऑलरेडी कट लगा ली थी, तो सारे कट के अंदर अच्छे से उंगली की मदद से थोड़ा इसको डाल देना है दोनों साइड में ही अच्छे से, और ये जो पेट है ना पेट के अंदर भी थोड़ा सा ऐसे मसाला डाल देना है। तो ये हो गया हमारा मछली मैरिनेशन। चलिए अभी इसको फ्रिज में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर जब मैं इसको तंदूरी बनाऊंगी तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बीच में आ गया था प्लम्बर, हमारा वॉशिंग मशीन वाला जो नल है ना वो लास्ट कुछ दिन से बहुत ही जैम हो गया था, पानी एकदम नहीं आ रहा था। लास्ट दिन जब मैं कपड़ा धो रही थी ना उस दिन तो इतना ज़्यादा तकलीफ हुआ, पानी तो एक आ ही नहीं रहा था, मतलब वॉशिंग मशीन में पानी ही नहीं भर रहा था, और जैसे ही पानी भर गया तो उस टाइम पे वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम हो गया, वॉशिंग मशीन से पानी और ड्रेन नहीं हो रहा था, गंदा पानी जो होता है। फिर इतना प्रॉब्लम हुआ ना, बाल्टी से वो सारा पानी मुझे बाथरूम में फेंकना पड़ा, उसके बाद वॉशिंग मशीन को मैंने अच्छे से पोंछ के एकदम ढक के रख दिया है, क्योंकि अभी अगर टेक्नीशियन नहीं बुलाऊंगी ना तो वो और फिर हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। और फिर वो सारा कपड़ा जो था वो पापा ने बाल्टी में डाल के बाल्टी को वॉशरूम में रख दिया था, ताकि मेड जब आएगी तो उसको दे सके तो वो धो डालेगी। तो लास्ट टाइम तो मेड ने कपड़ा धो दी थी, लेकिन हमारा मेड के साथ ऐसे ही बातचीत है कि वो कपड़ा नहीं धोती है, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन और डस्टिंग इतना ही करती है वो। कपड़ा अगर वो धो देती है ना तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दे देती हूँ,
लेकिन फिर उसका भी तो टाइम का भी प्रॉब्लम है ना, पैसा देने से भी वो मतलब अग्री नहीं करते हैं हमेशा करने के लिए। तो एक वॉशिंग मशीन तो हमारा अभी खरीदना ही पड़ेगा, या तो फिर ये वाला हम लोग रिपेयर करेंगे और या तो फिर अभी ऑटोमेटिक वाला लेंगे। तो सौरभ बोल रहे हैं कि ये वाला और खरीद के, ये वाला और रिपेयर करके कोई फ़ायदा है नहीं, चलो एक ऑटोमेटिक वाला ही खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे अभी कर रही हूँ मछली फ्राई कड़ी के लिए, और यहाँ पे चावल ऑलरेडी मैंने हांडी में चढ़ा दी है। सो मछली कड़ी यहाँ पे बन गया है, ऊपर से डाल दूँगी बस थोड़ी सी सरसों का तेल एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। ये एक्स्ट्रा तेल के बिना ना ये वाला रेसिपी एकदम अधूरा है, प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा। तो इसमें मैंने आज डाली है जो मस्टर्ड सीड्स होता है ना, यानी सरसों और हरी मिर्ची का पेस्ट। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार शेयर की है ऑलरेडी। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी कुछ धनिया पत्ता, वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हो। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला के ढक के रख दूँगी कुछ देर के लिए। जैसे ही सरसों तेल का फ्लेवर मछली में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर गर्मा गर्म चावल के साथ इसे सर्व कर लेना है। तो देखिए फ्रिज से मैंने मछली निकाल के लेके आ गई हूँ, और अभी गैस ऑन कर दूँगी। अगर आप चाहो तो ये आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे रोटी सेकने के लिए जो एक बेड़ी बोलते हैं हम लोग, तो इसमें ही मैं यूजुअली बनाती हूँ ये तंदूरी वगैरह। तो इसमें ना मैंने हल्का सा ऑयल ब्रश कर लिया है सरसों का तेल। अब इसको रख दूँगी गैस के ऊपर, ये थोड़ा सा प्री हीट हो जाए, उसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी मछली। और ये एकदम लो फ्लेम में धीमे धीमे इसको पकाना है, ताकि मछली के एकदम अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो चलिए ये अभी प्री हीट हो गया है, देखिए धुआं उठने लगा है इससे। अभी मछली को धीरे से रख देती हूँ इसके ऊपर, और फिर ऐसे इसको हर एक साइड से ना एक एक मिनट करके हमें पकाना है। तो 3-4 बार इसको उलट पुलट करने से ही ये आराम से हो जाएगा। और देखिए जो थोड़ा सा ग्रेवी इसमें मतलब मसाला जो इसमें बचा हुआ है, इसको भी ऐसे उंगली में ले लेना है, और जब मछली पलटी करूँगी ना उस टाइम पे इसको थोड़ा थोड़ा करके मछली के बॉडी में लगा दूँगी। और साथ में हल्की हल्की सी ऑयल भी ब्रश करना है। तो यहाँ पे मेरे पास तो एक ब्रश है ही, तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल भी थोड़ा सा ले ली है। सरसों के तेल में डिप करूँगी ये ब्रश और थोड़ा सा ऐसे इसको लगा दूँगी, बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी से वो स्मोकी स्मेल आना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसको अभी पलटी कर देते हैं। हम ना ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि नीचे के हिस्से में कितना पका है कि नहीं, अगर नहीं पका है तो इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, फिर इसको हम लोग पलटेंगे। तो ये मैंने गैस बंद कर दिया है, और ये देखिए हमारा तंदूरी पॉम्फ्रेट या तो फिर रोस्टेड पॉम्फ्रेट, जो कुछ भी बोलना चाहोगे, यहाँ पे रेडी हो गया है। ये देखिए है ना बढ़िया। मैक्सिमम इसे मुझे बनाने में 5 मिनट का टाइम लगा, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ ये बात सच्ची है कि गैस थोड़ा सा गंदा हो जाता है, क्योंकि मछली का ऑयल जूस जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा इसमें गिरता है गैस में, तो गैस तो थोड़ा सा ऑब्वियसली गंदा होगा ही। कुछ अच्छा खाना है तो थोड़ा सा साफ़ सफाई तो बनता ही है ना। तो चलिए अभी ये सब कुछ मैं क्लीन कर लेती हूँ, और खाना भी यहाँ पर मेरा बन गया है। तो मेन्यू दिखा देती हूँ, ये रहा तंदूरी पॉम्फ्रेट, इसमें है सैलड, शायद पापा ने काटे हैं, हाँ बीट रूट नींबू खीरा सैलड थोड़ा सा काटे हैं पापा ने। और ये रहा आलू पोस्तो, यहाँ पे है मछली कड़ी यानी पॉम्फ्रेट मचे सरसों बाटा दिए झाल, जो कि मैंने अभी अभी जस्ट बनाई है। और ये दो में कल का थोड़ा सा सब्जी है। चावल भी यहाँ पे बन गया है, पानी स्ट्रेन होने के लिए मैंने रखी है हांडी को। चलिए किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ, फिर करेंगे लंच। तो यहाँ पे अभी आ गई है त्रिशा, वो एक्चुअली काफ़ी देर पहले ही आई थी। अभी टाइम हो रही है शाम के 4, और वो आई है लगभग कटा बस चलो तक 1:30 के आसपास वो आई है। आज हमारे घर पे ही उसको लंच करने के लिए मैं बोली थी, क्योंकि वो भी घर पे अकेली थी, बोर भी हो रही थी। तो सुबह के टाइम पे उससे मेरा बात हुआ, तो मैंने बोला कि इधर आ जाओ एक साथ हम लोग लंच करेंगे। तो वो आ गई थी अभी लंच में सब कुछ ख़त्म करके। पापा और सौरभ अंदर सो रहे हैं, मैं त्रिशा और बहन हम तीनों मिलके सोफ़ा में लेटे लेटे
गप्पे कर रहे हैं। और बहन यहाँ पे उसके हॉस्टल के कुछ सामान वगैरह ये सब कुछ भी वो पैक कर रही थी। यहाँ पे देखिए टेबल में ढेर सारा यहाँ पे उसका सब कुछ सामान है। उस दिन हम लोग डी मार्ट गए थे ना, तो ये सारे डब्बे वगैरह हम लोग लेके आए थे, बहन के लिए ही है। एक में बिस्किट, चाय पत्ती, चीनी और भी जो कुछ छोटे मोटे नेसेसरी चीज़ें हैं ना, उस चीज़ के लिए ही ये डब्बा ख़रीद के लेके आए थे। तो मैंने बोला कि इधर ही एकदम से तुम ऑर्गेनाइज़ कर लो, क्योंकि हॉस्टल में जाके तो फिर उसको सब कुछ अकेला करना पड़ेगा। कि रे पालाली, अच्छा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक तकिया रखा हुआ है ना, साइड पिलो, जिसको हम लोग बंगाली में कोलबलिश बोलते हैं। तो ये मेरे मतलब हम लोगों के लिए बहुत ही एक मैंडेटरी चीज़ है, इसके बिना हमारा नींद आता नहीं है। तो ये भी बहन के लिए हम लोग खरीद के लेके आए हैं लोकल मार्केट से, जो कि लास्ट व्लॉग में शायद आप लोगों ने देखा ही था। तो इसमें कवर भी डाल दिया है। और तुम्हारे पास भी है ना त्रिशा, सेम दो? बाप रे त्रिशा, तो दो दो खरीदे। हाँ हाँ, छोटा होने के वजह से त्रिशा ने दो खरीदी है और बहन ने अभी फ़िलहाल के लिए एक ही खरीदी है। और एक जो सर का होता है पिलो मेन वाला, वो वाला भी है। और बस बहन यहाँ पे बाकी के सारे सामान थोड़ा थोड़ा करके लेके आ रही है, क्योंकि वो परसों चली जाएगी हॉस्टल और मैं फिर से रहूँगी घर पे अकेला। आई एम जस्ट वेटिंग कि वो कब हॉस्टल जाए। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा वो तंग करती है ना घर पर। हाँ हाँ, चले जाओ चले जाओ। तो यहाँ पे उसका ढेर सारा सामान है, जो कि पहले से वो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर करके रखी थी। ये है लॉन्ड्री बैग, देखा उन्हों दिखाओ, नहीं नहीं कैप्शन तो दिखा दो, कैप्शन ही तो इसका मेन है ना। क्या लिखा हुआ है? लॉन्ड्री टुडे और नेकेड टुमारो। बढ़िया है, मतलब वीकली तुमको लॉन्ड्री करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नेकेट रहना पड़ेगा। और यहाँ पे है एक टॉयलेटरी सेट, ये भी बहुत काम का आने वाला है। और वोटा देखिए अच्छे जानो इलेक्ट्रिक केटलटा ना। हाँ, इलेक्ट्रिक केटल तो मैंने आप लोगों को ब्लॉग में ऑलरेडी दिखाया था, क्योंकि वो मैंने यूज़ भी किया था। हाँ, देखा इधर एक टू, ये है एक टॉयलेटरी बैग, अच्छा है। देखना तुम्हारे रूममेट कैसा है, अगर ऐसा वैसा हुआ ना देखा जाएगा, सब चोरी वोरी करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना हॉस्टल वगैरह में चोरी बहुत होता है। तो इन सारे चीज़ों से, हाँ लड़कियों के हॉस्टल में तो ज़्यादा। अरे नहीं, तुम्हारे रूममेट को बोलोगे ना कि मेरे दीदी के पास यूट्यूब चैनल है, अगर तुम मेरा सामान चोरी करते हो तो वो यूट्यूब पे चला जाएगा। वो डर के मारे, हाँ डर के मारे वैसे भी चोरी नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है चलो, तुम अभी सब कुछ कर लो, ठीक है, फिर बाद में मैं आप लोगों से दोबारा बात करती हूँ। अभी मैं सोफ़ा में लेटे लेटे थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ। और त्रिशा त्रिशा यहाँ पे की बोले रहे हाई तो लेटे के यर्निंग, हाँ यर्निंग कर रही है बैठे बैठे कब से। मैं उसको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा सो जाओ लेट जाओ, लेकिन नहीं, यहीं पे बैठे बैठे वो गप्पे कर रही है और यर्न कर रही है। ठीक है चलिए, अभी मैं भी थोड़ा सा इन लोगों से बातचीत करती हूँ, आप लोगों से मिलेंगे कुछ देर बाद। बाय बाय कर दाओ। सो आज है एक्चुअली नेक्स्ट डे और अभी टाइम हो गई है रात के 9:30। कल जो दोपहर के टाइम पे मैं ब्लॉग ख़त्म की थी खाना वाना बनाते बनाते, उसके बाद मैं इतना ज़्यादा मुझे ना टायर्ड फील हो रहा था, तबीयत भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और सच बोलूँ तो कुछ काम में मैं बिज़ी भी हो गई थी, जिस वजह से कल और मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। सुबह के टाइम पर भी मैं सोची थी कि ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, लेकिन सुबह के टाइम से बहन को मैं थोड़ा सा पैकिंग वगैरह में हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो परसों तो जा रही है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो उसको भी थोड़ा सा वो सारे चीज़ों में हेल्प कर रही थी। इन सारे चीज़ों में टाइम बीत गया, फिर लंच वंच बनाया ये सब कुछ, फिर लंच के बाद जब त्रिशा है उस टाइम पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो त्रिशा तो शाम के टाइम पे चली गई थी, हमारा जैसे ही मतलब शाम के टाइम पे चाय वाय पीने का टाइम हुआ उस टाइम पे वो चली गई, वो बोला कि उसको चाय नहीं पीना है, वो चली गई। वो फिर से आएगी, वो तो बगल में रहती है ना, जब भी चाहे वो आ सकती है। और बहन और मैं फिर हम दोनों मिल के बैठ के टीवी देख रहे थे, पापा भी देख रहे थे। सौरभ तो चला गया है ऑफिस और अभी मैं लगाऊंगी डिनर। आज दोपहर का ही खाना वगैरह सब कुछ बच गया है, क्योंकि त्रिशा आने वाली थी ना, जिस वजह से पापा चिकन लेके आए थे। तो दोपहर के टाइम पे हमारा चिकन पोटल पोस्तो साग और चावल बना था, तो रात के टाइम पे अभी जस्ट मैंने पराठा बना लिया है। तो ये रहा पराठा, आज मैंने गोल गोल पराठा बनाई है। और साथ में ये रहा चिकन, गरम भी कर लिया है मैंने थोड़ा सा। आज सब कुछ खाना मैं ही बनाई थी। और इसमें क्या था,
अच्छा, इसमें थोड़ा सा पोटल पोस्तो बचा हुआ है और हांडी में है थोड़ा सा चावल। तो मैं सोच रही हूँ कि पराठा नहीं खाऊंगी, मैं आज चावल ही खा लूँगी चिकन और पोस्तो के साथ, और पापा और बहन पराठा खाएंगे चिकन के साथ। चिकन अच्छा ही बना था, सब लोग खा के तो बहुत अच्छा अच्छा ही बोला है। ये देखिए, एकदम हल्का पतला सा मैंने बनाई है। आज लाल मिर्च मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली, हरी मिर्च के साथ ही ये चिकन करी, चिकन कौसा बोल सकते हो, वैसा मैंने आज बना लिया था। तो चलिए अभी कर लेते हैं डिनर, और डिनर करके सो जाते हैं, और कल सुबह सुबह मिलेंगे आप लोगों से एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।